MOMENT मूवमेंट, यस शॉर्ट में MI ऑफ रिंग. अरे भाई किसके अबाउट? अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू. इमेजिनेशन चालू हो जानी चाहिए, रिंग दिख जाना चाहिए. पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. MI of the ring about an axis. अभी जो इतनी लंबी सी लाइन लिखी है ना, इसका डायग्राम बना के देखो जरा रफ में कि यार कैसे होनी चाहिए एक्सिस. रफ पेज ना हो तो रफ पेज में हमेशा ये जो ऊपर जगह खाली होती है बेटा, इसको रफ स्पेस की तरह यूज किया करो. सबसे ऊपर दो कॉपी की जरूरत नहीं होती, जो कॉपी है ना ऊपर ऊपर वाली लाइन में छोटे स्पेस में रफ की आदत डालो. इससे दो बातों की प्रैक्टिस होगी, जानते हो क्या? एक तो पेपर में रफ वर्क जो है कम जगह पे किया करोगे, कम जगह होते तो आदमी कम में करता है. एक कमरा होता है तो भी सारे उसमें रहते हैं, 10 कमरे होते हैं तो भी लोग फैल के रहते हैं. आदमी की आदत है, जो काम 5 मिनट में हो सकता है 5 मिनट भी कर सकते हैं, जो 1 घंटा होता है उसमें 1 घंटा खराब कर देते हैं. तो छोटे स्पेस में लिखने की आदत डालो. तो ये रफ स्पेस हो गई ऊपर वाली. किसने इमेजिन किया? सर मैं तो लिखने में ही लग रही हूँ अभी तक, इमेजिन कब करूँगी? वेरी गुड. अब मैं तुम्हें 3D में बताता हूँ, मजा आएगा. लो 3D सीखो. ये टेबल पूरी फिजिक्स में बहुत काम आती है, ये जादुई टेबल है 3D में. किसमें? और ये रहा रिंग. क्या है ये? ये है रिंग का, और यहां से पास क्या हो रही है? एक्सेस. सबसे बढ़िया डायग्राम मेरा बनाया है. अच्छा तुमने बनाया था, गुड. चलो ओके 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 ओके. ये अरे क्या ये इससे मैच कर रहा है? अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. एंड व्हाट इज दिस? इट इज ए रिंग. ये तो 3D में है. किसमें है? अगर 2D में बनाना हो उसी को, तो सर 2D में बनाने के लिए आई विल मेक दिस ए रिंग एंड दिस वुड बी द एक्सेस. जो कहां से पास हो रही है बेटा? सेंटर. और इसके प्लेन के क्या है? प्रपेंड. तो क्या सबको फील आ गई एक्सेस की? क्योंकि जब तक एक्सेस डिफाइन नहीं होगी तब तक MI कैलकुलेट, क्योंकि अलग अलग एक्सेस के अबाउट MI कैलकुलेट करने में एक्सेस का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक्सेस के अबाउट MI क्या होता है? अलग अलग. क्या सबको क्लियर है? जैसा आपने देखा कि एक रॉड का MI इसके अबाउट अलग था, इसके अबाउट अलग था, इसके अबाउट अलग था, इसके अबाउट अलग था, इसके अबाउट अलग था. बच्चे की जान लोगे क्या? एक ही रॉड के MI हर एक्सेस के अबाउट क्या आ रहे थे? अलग अलग. सो हमें हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सेस डिफाइन करना जरूरी होता है. क्या सबको क्लियर है? चलो बेटा मैंने माना इसकी रेडियस कितनी है, मास कितना है, क्या कबूतर की आंख सबको दिखाई दे रही है, क्या छोटा सा DM मास है जो कितनी डिस्टेंस पर है, क्या एक और DM मास है जो कितनी डिस्टेंस पर है, क्या एक और DM मास है जो कितनी डिस्टेंस पर है, क्या सब में R सेम है, क्या सारे पार्टिकल इक्वी डिस्टेंस पर हैं, क्या एक छोटे से टुकड़े का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या वो DMR स्क्वायर होगा, क्या सबको जोड़ देंगे क्या, क्या R स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या, क्या DM बचेगा क्या, और क्या सब बच्चे जानते हैं R स्क्वायर क्या DM का M होता है क्या? तो आंसर कितना आ गया? समझ में नहीं आया? क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बोलो, नोट करो.
हाँ भाई हो गया बेटा। चलो तो इसका मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? कितना हुआ? कौन सी एक्सिस के अबाउट? अब अच्छा ये देखते हैं कौन बताएगा। तुम बोलते भी हो, बताओ बताओ। एम क्या बात कर रहे हो? ये री एक्सिस सर, इसका भी एम आर स्क्वायर होगा। बताओ क्यों? क्या सारे मास इक्वल डिस्टेंस पर हैं? समझ में नहीं आया। आधे का भी वही जो पूरे का, तो बताओ उस पौवे का कितना? ये पौवा राम बताओ। एम क्या बात है, शाबाश। और अगर अजीब सा कोई डराने के लिए, हाँ सर डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी क्या होगा नोट कर लो मैं।